हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, सनी देओल की हालिया रिलीज गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। हालांकि गदर फिल्म की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए गदर 2 से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये फिल्म उन उम्मीदों से भी कहीं बेहतर कमाई कर रही है। इतना ही नहीं, ये फिल्म अभी तक कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुकी है और अपने दूसरे हफ्ते में भी इसकी कमाई बरकरार बनी हुई है। गदर 2 के अलावा सनी देओल की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आज की इस वीडियो में हम सनी देओल के कैरियर की ही उन्हीं टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की थी। गैल लिस्ट की शुरुआत करते हैं 10वें नंबर के साथ। सनी देओल के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर है सिंग्स ऑफ द ग्रेट, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अनिल शर्मा ने। हालांकि ये फिल्म सनी देओल के करियर की 10th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस किया था। दोस्तों, 9th पोजीशन पर है फिल्म अपने। इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके रियल लाइफ ब्रदर बॉबी देओल और फादर धर्मेंद्र साहब भी नजर आए थे। फिल्म रिलीज हुई थी 2007 में और इस फिल्म का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने ही किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज रही थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 39 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दोस्तों, लिस्ट में अगली फिल्म है इंडियन, जो कि सनी देओल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में 8वें नंबर पर है। फिल्म रिलीज हुई थी 2001 में, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वल्लारासु की ऑफिशियल रीमेक थी। इंडियन फिल्म की बात करें तो इसे डायरेक्ट किया था ओरिजिनल फिल्म वल्लारासु के डायरेक्टर एन महाराजन ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस 42 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। दोस्तों, 7th पोजीशन पर है फिल्म द हीरो। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2003 में और इस फिल्म का डायरेक्शन भी अनिल शर्मा ने ही किया था। फिल्म उस टाइम की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। दोस्तों, सनी देओल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट में 6 नंबर पर है फिल्म घायल वंस अगेन, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में और इस फिल्म का डायरेक्शन सनी देओल ने खुद ही किया था। वैसे तो ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म घायल का सीक्वल थी, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि इसके बावजूद ये सनी देओल के करियर की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 46 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस किया था। गाइस, अगली फिल्म है यमला पगला दीवाना 2। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना का सीक्वल थी, जिसे 2013 में रिलीज किया गया था। फिल्म में सनी देओल के अलावा धर्मेंद्र और बॉबी देओल भी नजर आए थे। फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस 48 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था और ये अभी भी सनी देओल के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थी पोजीशन पर है फिल्म बॉर्डर, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेपी दत्ता साहब ने और फिल्म में सनी देओल के अलावा सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ और अक्षय खन्ना जैसे कई बड़े सितारे नजर आए थे। फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया था। दोस्तों, अब बात करेंगे यमला पगला दीवाना के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में और फिल्म में सनी देओल के साथ उनके फादर धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल भी नजर आए थे। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी जिसे ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 88 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही थी। दोस्तों, गदर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल के करियर की मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म गदर थी, जो कि अब से करीब 22 साल पहले यानी कि 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने उस टाइम पर कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े और कई नए रिकॉर्ड्स कायम भी किए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अनिल शर्मा ने और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 133 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। फिलहाल गदर सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दोस्तों, लिस्ट में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म होगी इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ, हालिया रिलीज गदर 2 रुकने का नाम नहीं ले रही है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। आप में से काफी लोग जानते होंगे
कि ये फिल्म 2001 में आई गदर का सीक्वल है, जिसे ओरिजिनल फिल्म गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने ही डायरेक्ट किया है। ये वीडियो बनाने तक गदर 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ रुपए से भी ऊपर का बिजनेस कर लिया है। इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई है, जबकि इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में शाहरुख खान की फिल्म पठान अभी भी पहले नंबर पर बनी हुई है। इतना ही नहीं, गदर 2 ऑल टाइम 11वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। इन सब के अलावा गदर 2 सनी देओल के करियर की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों, अगर आपने गदर 2 देख ली है तो बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, साथ ही क्या ये फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। अगर आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखने के लिए फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो रात में देख रहे हो तो गुड नाइट।